इन दैट? माई एम टेक प्रोजेक्ट आई हैव वर्क इन थर्मल एनर्जी स्टोरेज ऑन पीसीएम मटेरियल विच द फेज चेंज मटेरियल विच यूजिंग द थर्मल रेगुलेटिंग परफॉर्मेंस रिड्यूस द इंडोर बिल्डिंग टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट दिस आई हैव जस्ट मेक अ कैप्सुलेशन बिल्ड पीसीएम एंड फिल द OM-37 विच हैव रिड्यूस द इन्वॉल्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन आउटडोर टेम्परेचर इन समर so it reduced the indoor temperature around to 5 centigrade it have to the investigation temperature which have a various parameter like decrement factor peak temperature reduction thermal indoor performance okay aapka ye mtech ka project hai iska ultimately aapka output kya tha it's have reduced sir iska आउटपुट ये था कि हमने जो इंडोर टेम्परेचर है उसकी बिल्डिंग की हमने 5 सेंटीग्रेड रिड्यूस किया था इससे हमारे बेनिफिट ये हो कि जो हमारी पैसिव हीटिंग कूलिंग मतलब पैसिव एयर कंडीशनिंग कॉस्ट है वो हमारी रिड्यूस हुई और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव हुई सर सो ये आप रिड्यूस कैसे कर पाए व्हाट वाज द मेन टेक्नोलॉजी सर हमने एक कैप्सूल डिफरेंट शेप साइज के बनाया रेक्टेंगुलर स्क्वायर और क्यूबॉइड्स तीन तरीके थे और उसमें हमने पीसीएम फिल किए थे इसके बाद उसको फैब्रिकेट इन सीमेंट ब्लॉक में किए थे इसके बाद तो हमने उसकी टेस्टिंग आप, की थी। आप मेरे को उसका मेथोडोलॉजी बता रहे हो कि हमने कैसे किया मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस टेक्नोलॉजी के थ्रू तुम रिड्यूस कर पाए टेम्परेचर प्रिंसिपल क्या था फेज चेंज मटेरियल का फेज चेंज मटेरियल जिसमें हमने एनर्जी को सेंसिबल और लेटेंट हीट के माध्यम से हमने एनर्जी को स्टोर और रिलीज किया जनरली ये जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर फेज चेंज मटेरियल वो होते हैं जिसमें हम एनर्जी को स्टोर और रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द फेज चेंज जब फेज चेंज होता है तो हम एनर्जी को स्टोर और रिलीज करते हैं सर ओके तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल होते हैं कुछ नाम बताएंगे सर तीन मतलब फेज थर्मल एनर्जी स्टोरेज में सर तीन होते हैं जियोथर्मल फेज चेंज मटेरियल पीसीएम जियोथर्मल और नहीं नहीं जियोथर्मल पीसीएम क्या होता है पीसीएम सर इट्स हैव द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस लाइक व्हेन एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग द फेज चेंज एंड solidification which have the energy release it's have the phase change material nahi thermal storage material main aapko puch raha hu ki sabse acha kaun sa hota hai thermal storage material sabse acha sir best abhi tak to sir phase change material maine study kari apne literature review mein acha ab phd kis area mein karna cha rahe hain सर मैं थर्मल एनर्जी स्टोरेज में करना चाहता हूँ इसी काम को आगे लेके जाना चाहते हैं एमटेक के काम को यस सर क्या करना चाहते हैं इसमें आगे सर इसमें मैं डिक्रीमेंट फैक्टर और बिल्डिंग के जो इन्वॉल्वमेंट होते कैनोपी बिल्डिंग की कैनोपी को और लाइट वेट मिक्सिंग सीमेंट को इन्वॉल्व करके इन पीसीएम में हम ओवर कॉस्टिंग और प्लास्टरिंग जो होती है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं कैसे करेंगे आप सर पहले तो हम सर जो हमारा रॉ मटेरियल होता है बिल्डिंग का उसको में हम पीसीएम वेरियस इन्वॉल्वेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करके इपॉक्सी बनाकर फिर पेस्ट या ब्रिक बनाएंगे या कैनोपी बनाएंगे इसके बाद हम उसकी टेस्टिंग कैप्सुलेशन के करेंगे सर डिफरेंट टाइप के फेज चेंज मटेरियल जैसे इनऑर्गेनिक और यूटेक्टिक पीसी मटेरियल यूज करके हम लाइट वेट और थर्मल इफिशिएंट बिल्डिंग बनाने ऐसा कोई काम चल रहा है क्या हाँ सर ऐसा चल रहा है हमारे कई रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहे हैं और फॉरेन में इसकी हमारे डिपार्टमेंट चल रही है आपने देखा है हमारे डिपार्टमेंट में ऐसी रिसर्च हाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सर आईटी दिल्ली सर एक प्रोफेसर अजय सक्सेना दिवाकर सेन है सर उन्होंने किया है और आईटी आईटी बीएचयू में भी सर ऐसा काम हुआ और हमारे जो प्रोफेसर है सर ने भी इसी पे काम किया तो उन्होंने इस काम को करवाया सर अच्छा ये काम करने का कौन सी इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा
सर अगर ये ये कर दिया आपने। इंडस्ट्री हमारी बेनिफिट सर, पहले तो बिल्डिंग सेक्टर, फिर फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टिंग सर, जो हमारा फ्रीजिंग फ्रीजिंग कॉस्ट जो होती है डेयरी फार्मिंग में, जो हम ट्रांसपोर्टिंग में जो सर हम फ्रीजर यूज कर रहे थे, तो उसमें हम इसका उपयोग करके हम उसकी कॉस्ट इफेक्टिव को कर सकते हैं सर। ओके, ओवर टू यू विशाल सर। ओके सर, थैंक यू अमन। सो यू आर गोइंग फॉर आईआईटी दिल्ली पीएचडी। यस यू कैरिड आउट सम वर्क रिलेटेड टू पीसीएम। सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट कंपोजिट स्लैब मच? सपोज देर आर फोर फाइव लेयर्स इन ए कंपोजिट स्लैब, सो हाउ यू विल यस अरेंज दोज पर्टिकुलर मटेरियल्स सो दैट टोटल कंडक्शन रेजिस्टेंस विल बी हायर? वेर यू विल कीप द इंसुलेटर? बेस्ट सर, इंसुलेटर यू आर गोइंग टू कीप इनसाइड, आउटसाइड और इन बिटवीन? सर हम आउटसाइड, जैसे हमारी ईंट होती है तो हम उसी तरह सीमेंट की ईंट बनाते हैं, तो हमारी बाहर की जो सन की रे आती है हम उसी को पेनिट्रेट, ताकि वो अंदर ना जाए और बाहर की गर्मी इन्वॉल्व ना करे, ताकि हमारी जो एसी की कॉस्ट है या हमारी अंदर की गर्मी ना हो, उसी को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो मींस इसलिए हम मींस इंसुलेट करना चाहते इफ द सोलर मींस वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट द हीट टू एंटर इनसाइड, सपोज हैं। यस आउटसाइड टेम्परेचर इज हाईर इन समर, यस सो इट इज गुड टू प्लेस द बेटर इंसुलेटर आउटसाइड। सॉरी व्हाई? दोबारा। इट इज गुड टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इंसुलेटिंग लेयर आउटसाइड, नॉट इनसाइड इनसाइड द रूम। हाँ सर, Why? Why? What is the reason behind thinking going with this actually approach? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। Why not inside? Why not we can keep insulating material inside? सर इनसाइड हम इसलिए नहीं लगा सकते, जस्ट 1 मिनट सर। There will be any difference, Aman? If you are keeping the insulating material inside, outside, or in between? सर इनसाइड, क्योंकि हमें इनसाइड की हीट बाहर हमें नहीं ले जाने देनी है, और बाहर की हीट जो हमें आने वाले नहीं देनी चाहिए, तो इसलिए हम प्रिफरेबल आउटसाइड ही करेंगे, इसलिए हम इंसुलेटिंग मटेरियल बाहर की साइड लगाना, पर जैसे हम कोटिंग करते पेंट की, तो उसी तरह हम उसको कर सकते हैं सर बाहर की तरफ। ओके, देन इट इज बेटर टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ शाइनी सरफेस आउटसाइड एज कंपेयर टू बेटर इंसुलेटर, बेटर कंडक्शन इंसुलेटर। इट इज गुड टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ मटेरियल व्हिच इज हैविंग वेरी गुड व्हाट यू कैन से रिफ्लेक्टिविटी, नहीं? यस सर, रिफ्लेक्टिविटी, ऐसा हाँ ऐसा कर सकते हैं। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल थिकनेस अमन? What is critical radius of insulation and what is critical thickness of insulation? सर क्रिटिकल थिकनेस सर, जैसे कि हमारी कोई ऐसा रेडियस है उसके ऊपर हम कोई क्रिटिकल, जैसे थर्मल कन्वेक्शन और कंडक्टिव बताती है, तो एक मैक्सिमम मतलब एक रिक्वायरमेंट हो, मतलब एक रिक्वायरमेंट रेडियस की होती है जो हमारी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को ज्यादा इन्वॉल्व ना करे और हमारी कंडक्शन को कम ना करे सर, कुछ ऐसा होता है सर। अच्छा, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी से क्या समझते हो वेरिएबल कंडक्टिव आप? थर्मल मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होने के बाद उसका टेम्परेचर मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ऐसा हम सेमी कंडक्टर में देखते हैं सर, ये वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी को शो करती व्हाट है। अबाउट मेटल्स? मेटल्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर? मेटल की सर उसकी इंक्रीज करते हैं सर कंडक्टिविटी मेटल्स का कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, व्हाई? सर, उसके मॉलिक्यूल सर जो होते हैं वो अंदर इंटर मॉलिक्यूल, वो ज्यादा जब एनर्जी पाते हैं तो हीट एनर्जी पाते हैं तो ज्यादा अपने आउटर मोस्ट सेल को ज्यादा मतलब बाहर निकलते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो ये नॉन मेटल्स में होता है, मेटल्स में होता है, या दोनों में होता है? सर। मेटल में ज्यादा होता है, नॉन मेटल में होता है मतलब बहुत कम होता है बट अमन यू रेयर। नो मेटल्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, मेटल का तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सर आई डोंट नो दिस टाइम, दिस में नहीं आ रहा।
Okay. Which particular PCM you have used in that analysis? You carried out, Aman? OM-37 जिसे ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब तीन तरह के होते हैं, मतलब तीन तरह के पीसीएम होते हैं जिसे हम डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, यूटेक्टिक। ऑर्गेनिक में जनरली हम फैटी एसिड CnH2n+2 मतलब एल्केन ग्रुप के होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक तरीके से बना, जैसे हमारा ऑर्गेनिक में कोकोनट ऑयल हो सकते हैं, और जो हमारी वैक्स होती है वो भी पीसीएम में आती है। तो OM-37 ने यूज किया, जो कंपनी बेस्ड होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 36 प्रीडिफाइन होती है सर, 36 वाट, 36 डिग्री सेल्सियस, 36 सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होता है, मेल्ट कर जाता है सर। और इसकी स्पेसिफिक हीट होती है 22.1 किलो जूल केजी पर केल्विन। एंड व्हाट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट सर 37 तो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं क्या सर? मैंने इसको खुद एक्सपेरिमेंट किया, तो ये 30.7 पर ये पूरा वेपर कर चुका था। 37 पे वेपर बनता है या मतलब 37 पे ये सर तुरंत वेपर बन जाता है? वेपर बन जाता है। हाँ, उससे पहले क्या होता है? लिक्विड। हाँ, लिक्विड होता है सर, उसी के बीच मतलब बहुत शार्प टाइम ड्यूरेशन के लिए ये सब मेल्ट करता है, फिर इसके बाद वेपर बन जाता है, फिर इसी के बीच में मेल्टिंग पॉइंट कितना है? मेल्टिंग पॉइंट कितना है? मेल्टिंग पॉइंट 37 है सर। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सर। अच्छा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक पे? 100 सेंटीग्रेड। 100 तो बॉइलिंग पॉइंट होता ना। जीरो डिग्री सेल्सियस। जीरो पे आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड? नहीं, 4 कहां से आ गया अमन? अच्छा, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? मेल्टिंग शुरू होती है, फ्यूजन प्रोसेस होता है। फ्यूजन, यू नो अबाउट फ्यूजन? हाँ सर, फ्यूजन। तो अभी ये जो फेज चेंज मटेरियल था, दैट फेज चेंज मटेरियल स्टोर्स थर्मल एनर्जी इन वेपर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म? लिक्विड फॉर्म सर। लिक्विड फॉर्म, तो वेपर तो मतलब बना ही नहीं होगा ना अमन? नहीं नहीं, वेपर में, इसलिए मैं उसको चेक कर रहा था कि तो ये वेपर बन। आप तो बोल रहे थे कि सर आई एनालाइज द वेपर, कि वेपर बन गए थे, एंड वेरी कॉन्फिडेंटली यू मेंशन कि सर 37 पे वेपर बन गए थे। नहीं, आई थिंक यू मेंशन 2-3 टाइम्स। मैंने उसको मतलब यस यस। तो वेपर कहां से बन गया? लिक्विड बना होगा ना 37 पे? हाँ सर, लिक्विड बन गया था, फिर उसकी वेपराइजेशन स्टार्ट हुई थी सर। अच्छा, इसका कंपोजिशन बताओ, द पीसी मटेरियल व्हिच यू आर टेलिंग अस R-137, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट आर स्टैंड्स फॉर? आर नहीं सर, ओएम, ओ फॉर ऑरेंज, एम फॉर। अच्छा, ओएम 37, ओएम 37 मतलब, हां, ओ मतलब ऑर्गेनिक, एम मतलब मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। थोड़ा कंपोजिशन बताओ इसका, टेल अस द कंपोजिशन ऑफ दैट पीसीएम सर। C2H5OH के जो हमारी CnH2n CnH2n+2 के एल्किन ग्रुप के आते हैं, और इसका अच्छा, व्हाई यू आर चूजिंग दिस पर्टिकुलर पीसीएम सर? आई हैव लिटरेचर रिव्यू इन प्रीवियस स्टडी, वन प्रोफेसर हैज चूज देन OM-35, सो आई हैव चूज देन 37। अमन, व्हाट इज प्लैंक्स लॉ? प्लैंक्स लॉ सर मुझे इसमें नहीं याद आ रहा। व्हाट इज वेंस डिस्प्लेसमेंट लो? डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग होती है सर, जब कोई इमिसिविटी होती है तो उसके वेवलेंथ में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट शो ऑफ करता है सर, वो हमारी वेन डिस्प्लेसमेंट कहलाती। पढ़ा नहीं आपने हीट ट्रांसफर अमन? अच्छा, व्हाइट बॉडी क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉडी एंड ग्रे बॉडी? व्हाइट बॉडी सर जिसकी ट्रांसमिटिविटी 1 हो सर, जो पूरी ट्रांसमिट करते वो व्हाइट बॉडी होती है। ग्रे बॉडी सर तो ट्रांसपेरेंट बॉडी होगी ना, बॉडी व्हिच इज हैविंग ट्रांसमिसिविटी 1, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो व्हाइट बॉडी इज अ आइडियल ट्रांसपेरेंट बॉडी, आर यू श्योर? सोच के बताओ, जल्दी में आंसर मत करो।
सर व्हाइट बॉडी मतलब सर जब लाइट के साथ ऑल कलर मतलब सेवन कलर्स उसके मिक्स होते हैं तो वो हमारी जनरली व्हाइट में व्हाइट ही शो अप करता है, तो इसलिए व्हाइट बॉडी कहते हैं। नहीं तो व्हाइट कलर क्यों शो करता है? चलो आपने जो बताया उसको जस्टिफाई करो, व्हाई ए व्हेन ए बॉडी इज गोइंग टू अपीयर व्हाइट व्हेन यू आर यू नो सम प्रोजेक्टिंग सम व्हाइट लाइट ऑन दैट बॉडी, तो व्हाइट कब आपको अपीयर होगा? व्हेन इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑल द लाइट कलर्स और इट इज गोइंग टू एमिट, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑल, इट हैव रिफ्लेक्ट टू ऑल, रिफ्लेक्ट ऑल। तो बस तो व्हाइट बॉडी क्या होता है? बॉडी विच इज हैविंग आइडियल रिफ्लेक्टर विच इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑल द रेडिएशंस, एक ऐसा बॉडी जो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर दे, जिसका रिफ्लेक्टिविटी वन हो। आप तो ट्रांसमिसिविटी वन बोल रहे हो, गॉट द आंसर मन? तो व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? अगर सभी को एब्जॉर्ब कर लेगी मींस इफ द एब्जॉर्प्टिविटी इक्वल टू वन, अगर एब्जॉर्प्टिविटी वन हो जाएगा सबको एब्जॉर्ब कर लेगी तो तब आपको ब्लैक कलर अपीयर होगा, दैट बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी सबको एब्जॉर्ब करेगी, ये अभी आपको क्लियर नहीं है अमन बहुत अच्छे से। चलो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अमन, आप ये बताओ कि आपने इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सुना? व्हाट इज दैट इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर? तो इवैक्यूएटेड क्या होता है इसमें? व्हाई दिस कलेक्टर इज नोन एज इवैक्यूएटेड ट्यूब एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग दैट वैक्यूम? सर ताकि हमारा कन्वेक्टिव ट्रांसफर को लोअर किया जा सके, इसलिए कई वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं। सही है, तो कहाँ पे वैक्यूम रखते हैं? सर ट्यूब और जो ग्लास ट्यूब के बीच में उसमें वैक्यूम रखते हैं सर। ठीक है, व्हाट इज सोलर कांस्टेंट अमन? हाउ वी मेजर सोलर कांस्टेंट? इट हैव 1368 वाट मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर। सर कैसे मेजर करते हैं सोलर कांस्टेंट को? सर मेजरमेंट डिवाइस, हाँ पायरोनोमीटर, पायरोनोमीटर से तो सोलर इंटेंसिटी मेजर करते हैं। Solar intensity is solar constant. There is a difference. Pyranometer is used to measure the solar intensity. Heliometer, sir. Heliometer, नहीं. Heliometer तो नहीं होता, heliostat होता है, क्या होता है? Heliometer तो नहीं कुछ होता. No, sir. अच्छा आपका मेरा लास्ट क्वेश्चन है मन आपसे, जो कलेक्टर है ना हमारे सोलर पैनल पीवी पैनल, सपोज वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ट्रैकिंग सिस्टम इन दोज कलेक्टर, सो हाउ यू विल माउंट, हाउ यू विल माउंट द सोलर पैनल विदाउट ट्रैकिंग डिवाइस, विदाउट ट्रैकिंग सिस्टम, हाउ यू आर गोइंग टू माउंट द सोलर पैनल? So that we will be able to best make use of best make use of that what you can say solar radiations. So how you are going to mount the solar panel without any tracking system? चलो ठीक है अमन, फिर मैं आपको फीडबैक देते हैं अभी। ओवर टू यू विजेंद्र सर। ओके सो लेट मी गिव द फीडबैक। आई थिंक योर थ्री क्वेश्चन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू आर अबाउट योर एमटेक प्रोजेक्ट, व्हाट इज योर एमटेक प्रोजेक्ट एंड द वे यू एक्सप्लेन्ड, आई थिंक यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट एंड वेरी प्रिसाइज। आपका एक्सप्लेनेशन का जो तरीका था वो थोड़ा सा ऐसा था कि आप बहुत ज्यादा सेंटेंसेज यूज कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रोजेक्ट है क्या। दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन एमटेक के प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है आपका, उसके बाद आपने इसमें एमटेक के प्रोजेक्ट में एक्चुअली किया क्या है, व्हाट इज द मेन एक्टिविटी यू हैव डन, एंड थर्ड इज इसका आउटकम क्या था, मतलब इसका इंडस्ट्री का एप्लीकेशन कहाँ पे है एमटेक के प्रोजेक्ट का। ये तीन चार चीज आपको बिल्कुल क्लियरली बतानी है उनको जब से एमटेक का प्रोजेक्ट वो आपसे पूछेंगे।
उसके बाद वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि आप पीएचडी किस फील्ड में करना चाह रहे हैं और क्या वो एमटेक का एक्सटेंशन है, जो आपने एमटेक में काम किया है तो पीएचडी का जो काम आप करना चाह रहे हैं क्या उसका एक्सटेंशन है, और आपने ये कहाँ से आइडेंटिफाई किया कि किस फील्ड में आपको करनी है, और वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि क्या आपने उनका वर्क उनके डिपार्टमेंट को एनालिसिस किया है। आपको बहुत अच्छा मार्क्स वो देते हैं जब अगर आप उनको बोलें कि सर मैंने ये काम देखा और ये काम आपके डिपार्टमेंट आईआईटी दिल्ली में हो रहा है इस डिपार्टमेंट में, और मेरा काम भी इससे मिलता है, इससे मैच करता है, और मैं इस फील्ड में आगे काम करना चाहता हूँ। अगर आपके तीन चार चीजों का आंसर स्ट्रेट है तो आपको उसका क्रेडिट मिलता है। तो आपको पीएचडी किस फील्ड में करनी है, क्या उस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं और करनी क्यों है उस फील्ड में, और आपका एमटेक और पीएचडी का काम कैसे मैच करता है, ये तीन चार चीज का लिंक आप बिठाना। आपने ट्राई किया आंसर करने का, लेकिन इसको इम्प्रूव करो, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप बता सकते हैं कि कैसे आप इसको करेंगे। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अमन अभी आपका प्रिपेयर्ड नहीं है अच्छे से, ही ट्रांसफर योर नोट रिवाइज्ड, इवन यू नोट आंसर्ड वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ही ट्रांसफर, प्लैंक्स लो, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लो, critical thickness of insulation, you have not answered where to keep the insulating material. You know, for a case of plain slab, you can keep the insulating material at any place because the conduction resistance is not going to change. Whether you are keeping the insulating material inside, outside, or in between the two layers, the total conduction resistance is going to remain same, because in for a composite slab, the total resistance will be the sum of all resistances, irrespective of their position. But in case of pipe, listen, Aman, in case of pipe, it is better to keep the battery insulating inside. Suppose some hot fluid is flowing inside and we want to restrict the heat transfer. Okay, then it is better to keep the best insulator, better insulator inside, close to the hot surface. Are you getting, Aman? Because in that case, the total resistance is going to change based on the position of the insulating material. But for case of plain slab, the resistance is not going to change. For any layer, resistance will be V by Ka, whether it is inside, outside, or in between the two layers. And total resistance will be what? V by Ka of first layer, V by Ka of second layer, plus V by Ka of third layer, something like that. Nahin? But for case of pipe, for case of slender, the conduction resistance is what? Ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. So 2 pi KL will be same, but ln of R2 by R1 is going to change. So in that case, it is better to keep the insulating material inside. So you thoda dekhna aap. White body is an ideal reflector. White body is going to reflect all the radiations. It is not going to absorb any radiation. Black body is going to absorb all the radiations. That the body which you answered, that is the ideal transparent body. A body which is going to transmit all the radiations. Theek hai? Solar constant we measure with the help of a satellite. सैटेलाइट की हेल्प से मेजर करते हैं, सोलर इंटेंसिटी मेजर करते हैं हम पायरोनोमीटर से। ओके, हाउ मच इज द एवरेज सोलर फ्लक्स रीचिंग टू आवर सरफेस, दैट इज दैट वी मेजर यूजिंग सैटेलाइट। तो ये थोड़ा सा आप कवर अप करो अच्छे से, बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर, बेसिक्स ऑफ रेडिएशन यू नो टू रिवाइज, and if you feel you can join me for some snaps later to heat transfer and you can go for again second mock if you are having aman sir wo last ka jo aapne pucha tha ki agar solar tracking hum use na kare to south facing karte hain normally 45 degree pe south facing karte hain abhi apna sun kahan se nikalta hai east se na to sun yahan pe actually mein to earth rotate karegi but hum normally yahi bolte hain sunrise hoga kahan pe east mein aur sunset kahan pe hoga west mein but earth is actually going to rotate to चलो वही कन्वेंशन लेके चलते हैं तो होगा क्या आप ये मूवमेंट होगी सन की आपकी अर्गेटिंग तो पैनल को कैसे रखेंगे साउथ फेसिंग पे 45 डिग्री पे विदाउट एनी ट्रैकिंग सिस्टम ताकि आपको मैक्सिमम टाइम आप सन को क्या कर सके यूटिलाइज कर सके अर्गेटिंग अमन यस यस तो साउथ फेसिंग एट 45 डिग्री जो पैनल का फेस है वो साउथ को फेस करेगा और 45 डिग्री पे और सर ग्रे बॉडी का क्या कांसेप्ट है ग्रे बॉडी होती है बॉडी व्हिच इज हैविंग स्पेक्ट्रल एमिसिविटी कांस्टेंट ए बॉडी फॉर व्हिच स्पेक्ट्रल एमिसिविटी इज नॉट चेंजिंग विद द लैम्डा वेवलेंथ एक ऐसा बॉडी जिसका जो स्पेक्ट्रल एमिसिविटी है वो वेवलेंथ के साथ चेंज नहीं करता उसे क्या बोलते हैं हम ग्रे बॉडी दैट इज आल्सो आइडियलाइज्ड
idealized concept. Yes. So the curve, if you are going to draw a curve of E lambda versus lambda curve, the very similar type of pattern you are going to get for the gray body. Yes. So gray body curve will be very similar to black, but the pattern, the curve will be much more closer to the real body. So that's why we will get much more accurate results if you are assuming a surface as a gray body. देखो मेन तो सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट, बिकॉज योर वर्क इज रिलेटेड टू पीसीएम, आप उसमें बड़ा कंफ्यूज थे इनिशियली. यू मेंशन कि सर वो वेपर बन जाता है, आप बॉलिंग पॉइंट को और मेल्टिंग पॉइंट को ही नहीं समझ पा रहे थे. मेल्टिंग पॉइंट भी 37 बता रहे थे, आप बॉलिंग पॉइंट भी 37 बता रहे थे. तो बॉलिंग पॉइंट तो कुछ और होगा जहां पे वेपर बनेगा. मेरे ख्याल से वो आपने चेंज नहीं किया होगा, वेपराइज नहीं किया होगा आपने उसको, पीसीएम को. आपने सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हुआ होगा ना. लेटर इन टू फ्यूजन आई थिंक यू हैव यूटिलाइज्ड इन दैट पीसीएम. ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्लियरिटी रखो, पीसीएम कौन सा यूज किया, व्हाई यू आर चूजिंग दैट पीसीएम और उसका प्रॉपर्टीज एंड सम बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर एंड सोलर, बिकॉज योर वर्क इज रिलेटेड टू PCM ना, phase change materials which are having major applications in storing the thermal energy, solar energy. Yes, yes. तो वहाँ से question बनेंगे आपको, ठीक है? ठीक. सर एक question क्या? Energy balance का equation क्या होता है? First law of thermodynamics. Energy we cannot create, we cannot destroy. तो depend करता है ना. अब आपका PCM है, तो PCM के ऊपर कितना energy आ रहा है? तो what is the solar flux? मान लीजिए सोलर इंटेंसिटी कितना है वहां पे, व्हाट इज द अपर्चर एरिया, जो आपका एब्जॉर्बिंग सरफेस है उसका एरिया कितना है. सो दैट इज द एनर्जी व्हिच इज रीचिंग टू योर सरफेस. आर यू गेटिंग? मान लीजिए सोलर इंटेंसिटी इज 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइंग विद द एरिया यू विल गेट कितना एनर्जी रीच कर रहा है आपके सर्फेस पे. उसको आपको इक्वेट करना है किसके साथ, द एनर्जी स्टोर्ड बाय द पीसीएम. अदरवाइज सम विल बी द लॉसेस आल्सो, बिकॉज पूरा कन्वर्जन तो नहीं होगा. Are you ready? So energy stored by the PCM plus heat lost, that is equal to what? The energy which is reaching to the collector, absorber. Collector. Yes. So energy balance. The first law of thermodynamics jo hota hai, that gives us the concept of what energy balance. Because energy we cannot create, we cannot destroy. Total energy is conserved. Total energy is constant. Are you ready? Oh sir, first law ko matlab. जीरोथ लॉ को हम कैसे फर्स्ट लॉ से मतलब मैच करेंगे सर, अगर ये नहीं, जीरोथ लॉ तो अलग है. जीरोथ लॉ उसको बोलते हैं जीरोथ, वो हमें देता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेंपरेचर मेजरमेंट. यस, इक्विलिब्रियम का. हाँ, फर्स्ट लॉ अलग है, जीरोथ तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है सर. ऐसे दो बोथ आर इंडिपेंडेंट लॉज. जीरोथ लॉ वाज डेवलप्ड आफ्टर फर्स्ट लॉ, 1934 के आसपास आपने इसको डेवलप किया था. फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दे डेवलप्ड क्लोज टू 1850, 1852-1853 के आसपास ये डेवलप हुए थे. सो आई थिंक क्लोज टू मोर देन 80-85 इयर्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ जीरोथ लॉ केम्स इनटू एग्जिस्टेंस. बट जीरोथ लॉ टॉक्स अबाउट बेसिक basics of what? Temperature measurement. And temperature is more basic quantity as compared to heat. That's why different scientists, researchers, they named that law as zeroth, because zero come before first, before one. Okay. Okay. इसलिए उन्होंने उसको zeroth नाम दे दिया. Regarding Aman? Yes. Sir, एक question है sir, ये जो एक bucket है, उसमें कुछ pebbles रखे हुए, ठीक है? तो उसमें हमारी heat flow कर रही है, तो sir उसका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा जाएगा सर? तो अभी हीट फ्लो कर रहा मतलब सोलर एनर्जी आ रहा है वहां पे. मतलब सर अगर हीट स्टैंडिंग हम फोर्स नीचे से कुछ दे रहे हैं, अगर गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, चलो ठीक है, अगर मैं कुछ हाइट कुछ सर्टेन हाइट पे है, तो इसके बाद नीचे से हम फर्नेस से गर्म कर रहे हैं सर, तो उसमें एनर्जी बैलेंस इक्वेशन. तो अब जहां पे आप जिस चीज को आप बर्न कर रहे हो या जो फर्नेस से जो आपका रेट किस रेट पे हीट आ रहा है, इसका बेसिक फंडामेंटल क्या होगा? कन्वेक्शन, क्यू कंडक्शन प्लस क्यू कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन. कंडक्शन तो नहीं होगा ना, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट. इवन इन फर्नेस यू कैन नेग्लेक्ट द कन्वेक्शन आल्सो, तो मेजरली हीट ट्रांसफर विल बी बाय क्यू रेडिएशन ओनली. ठीक है, तो आपने एक बकेट को जिसमें पेबल्स है उसको कहां पे रखा है? फर्नेस में. तो व्हाटएवर हीट इज रीचिंग टू द बकेट दैट इज क्यू रेडिएशन.
लिखना चाहो तो क्यू कन्वेक्शन भी लिख लो, नेचुरल कन्वेक्शन, क्यू रेडिएशन प्लस क्यू नेचुरल कन्वेक्शन, दैट इज इक्वल टू व्हाट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स स्टोन. जिस रेट पे रेडिएशन आ रहा है, जिस रेट पे कन्वेक्शन आ रहा है, क्यू रेडिएशन प्लस क्यू कन्वेक्शन, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ दोज स्टोन्स. आर यू गेटिंग? यस यस. वो कैसे लिखोगे? एमसीडीटी, एमसीडीटी बाय डीटी, डेल्टा टी, एमसीडीटी बाय डीटी, एमसीडीटी, डीटी बाय डीटी. यस यस. रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंपरेचर विद टाइम. और सर, एम क्या है? वो जो आपने रखे हैं ब्लॉक्स, जो स्टोन्स हैं, उसका मास. सी क्या है? उसका स्पेसिफिक हीट. डीटी बाय डीटी क्या है? उसका चेंज इन टेंपरेचर विद टाइम. यस सर. और सर, रेडिएशन आप निकाल सकते हो, बेसिक फॉर्मूला लगा के कन्वेक्शन निकाल सकते हो, क्यू कन्वेक्शन. सर मैंने आपको एनर्जी बैलेंस दिया है, बताओ कुछ और बताओ. नहीं सर, वो उस दिन मेरा परसों वो था, आईटी कानपुर का था, तो उन्होंने ये पूछा, तो मैंने एमसीडीटी इज इक्वल टू एचए टी माइनस टी इनफिनिटी मैंने उनको ही बताया था. कल गड़बड़ हो जाएगी ना. देखो आप एक बात बताओ, एचए डेल्टा टी उसका यूनिट क्या होता है? वाट. एमसीडीटी का यूनिट क्या होता है? किलो जूल. तो वाट और किलो जूल सेम कैसे हो सकते हैं? MCDT by DT लिखना पड़ेगा. MCDT by DT. Rate of change of internal energy, ना कि change of internal energy. क्या बोलोगे? Rate of change of internal energy that is equal to Q convection or Q radiation. Because heat transfer में जो हम Q लेते हैं ना, वो वाट में लेते हैं. अगर एनर्जी बैलेंस आप थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे, सर हीट ट्रांसफर इन किलो जूल, हाँ ऐसा बोल सकते थे आप, सर हीट ट्रांसफर इन किलो जूल इक्वल टू MCDT, एनर्जी बैलेंस है, बिल्कुल सही है. बट आपने तो क्या बोल दिया? आपने बोला ना एच ए डेल्टा टी. अब एच ए डेल्टा टी का यूनिट क्या है? वाट. बिकॉज एच का यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, डेल्टा टी का केल्विन 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 कट गया, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो बचा क्या? वाट बचा ना. तो फिर इधर भी तो वाट करना पड़ेगा ना बच्चे. कौन था आइडिया अमन? चलो ठीक है, अभी मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करो और ये निकल जाएगा. बट अभी आपको हीट ट्रांसफर अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा एंड गो थ्रू सम बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो. सर कुछ नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं? सर मैराथन क्लास देखो आप, हीट ट्रांसफर का मैराथन क्लास देख लो और थर्मोडायनेमिक्स का मैराथन क्लास देख लो, दो देख लो, आपको आपका इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी. ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच.